हेलो फ्रेंड्स, बॉलीवुड चुस्की में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा कुकरेती। तो वक्त हो चुका है एंटरटेनमेंट जगत की तड़कती भड़कती खबरों से आपको रूबरू कराने का। पद्मावत बनी दीपिका पादुकोण की फर्स्ट वीकेंड में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पहली फिल्म। तमाम विरोध के चलते 1 दिसंबर की रिलीज होने वाली पद्मावत आखिरकार 24 जनवरी को रिलीज हो ही गई और अब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन कर रही है। आपको बता दें कि संजय लीला बंसाली के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म शुरुआती हफ्ते में दीपिका पादुकोण की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। सारा अली खान को अपनी पहली फिल्म रिलीज होने से पहले मिला इस बड़ी फिल्म का ऑफर। सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान की अभी डेब्यू फिल्म रिलीज भी नहीं हुई, लेकिन उनकी दूसरी फिल्म की चर्चाएं जोरों पर है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें साउथ की एक फिल्म का ऑफर आया है। आपको बता दें कि सारा अली खान अभिषेक कपूर की फिल्म केदाना से डेब्यू कर रही है। इस फिल्म में उनके ऑपोजिट सुशांत सिंह राजपूत होंगे। बॉलीवुड अभिनेत्री जीनत अमान के साथ कारोबारी ने की छेड़छाड़, मामला हुआ पुलिस में दर्ज। अपने जमाने की मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री जीनत अमान के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। मुंबई के एक कारोबारी के खिलाफ धोखाधड़ी और धमकी देने की शिकायत जीनत ने दर्ज कराई है। उनके द्वारा की गई पुलिस शिकायत के बाद अब जुहू पुलिस ने कारोबारी की धरपकड़ के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। खबरों की माने तो आरोपी कारोबारी फिलहाल फरार है। डेब्यू फिल्म में बने शाहिद कपूर के भाई स्मगलर, रिलीज हुआ ट्रेलर। हाल ही में शाहिद कपूर के भाई ईशान खट्टर की पहली फिल्म बियॉन्ड द क्लाउड्स का ट्रेलर रिलीज हुआ है। इसकी शुरुआत में आमिर यानी ईशान बहुत ही रफ एंड टफ अंदाज में नजर आ रहे हैं, जो बड़ा आदमी बनने का सपना देखता है, लेकिन इसके लिए वो गलत रास्ता अपनाता है और एक स्मगलर बन जाता है। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की तरह करेंगे डेस्टिनेशन वेडिंग ये बॉलीवुड कपल। बॉलीवुड कपल अश्मीत पटेल और महक चहल डेस्टिनेशन वेडिंग करने जा रहे हैं। दोनों इस साल अगस्त में शादी करेंगे। दोनों का कहना है कि वो भी अनुष्का विराट की तरह अपनी शादी का फंक्शन छोटा ही रखेंगे। आपको बता दें कि हाल ही में दोनों ने सगाई करी थी। टीवी सीरियल इशकबाज के एक्टर नकुल मेहता ने सेलिब्रेट करी अपनी 6th वेडिंग एनिवर्सरी। टीवी सीरियल इशकबाज में शिवाय सिंह ओब्रॉय का किरदार निभाने वाले नकुल मेहता ने हाल ही में अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। उन्होंने अपनी वाइफ जानकी के साथ उदयपुर में शादी की सालगिरह मनाई। इस मौके पर नकुल वाइफ जानकी को किस करते नजर आए। जानकी ने वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हुए कुछ फोटोज अपने इंस्टाग्राम पर शेयर भी की हैं। तो ये थी आज की एंटरटेनमेंट की खबरें। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लॉगिन करें www.lokmatnews.in पर।